सिंगरौली में पैसे के लेन देन को लेकर एक नाबालिग बच्चे की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले भी 3 नाबालिग बताए जा रहे हैं। विंध्यनगर थाना अंतर्गत 10 दिनों पूर्व एक नाबालिग लड़का रहस्यमय ढंग से घर से गायब हो गया था। बच्चे के लापता होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन के आधार पर जब खोजबीन शुरू की तो बच्चे का शव अमझर गांव के झाड़ियों में मिला। वहीं मृत नाबालिग बच्चे के 3 दोस्तों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने मामला उजागर किया। थाना प्रभारी राघवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि मोबाइल के पैसे की लेन देन को लेकर तीनों नाबालिग दोस्तों ने ही उसकी हत्या की थी। तीनों नाबालिग बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर बाल संप्रेषण गृह रीवा भेज दिया गया है। नाबालिग लड़का 22 तारीख को यहाँ से 22 अगस्त को घूमा था और उसके घर वाले माँ बाप सब उसकी शिकायत की थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और तलाश के दरमियान कुछ सूत्र मिले, उस पर तलाश में कुछ अन्य सोर्सेज से पता करने पर ये पता चला है कुछ नाबालिग लड़के हैं जो कि इसकी हत्या कर दिए हैं या उसमें इन्वॉल्व हैं। उसकी बॉडी नवानगर के नंदगांव के पास जंगल से रिकवर कर ली गई है और उसका PMM कराया जा रहा है और जो अपराधी हैं तीनों वो भी नाबालिग है, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।